एक तरफ कोरोना से रिकवर हो रहे लोगों पर ब्लैक फंगस नाम का नया खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बैठे कुछ सघोषित डॉक्टर ये दावा कर रहे हैं कि घर का कूलर और फ्रिज साफ करने से ब्लैक फंगस का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक मैसेज वायरल हो रहा है, इसमें दावा किया जा रहा है कि फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबड़ पर जमा होने वाली काली फफूंद ही वह म्यूकोरमाइकोसिस है जो लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। मैसेज में आगे ये भी कहा गया है कि ये फफूंद खाने पीने की चीजों पर भी जमा होती है और अगर घर के सामान से इस फफूंद को साफ कर लिया जाए तो ब्लैक फंगस आपको छू भी नहीं सकता। क्या ये सच है? घर के सामान पर होने वाली फफूंद ही वह ब्लैक फंगस है जो कोरोना से रिकवर हो रहे मरीजों की जान ले रही है? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सच है कि म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए शरीर में बाहरी फंगस और बैक्टीरिया को घुसने से रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन सिर्फ फ्रिज साफ करके ब्लैक फंगस का खतरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस की बड़ी वजह शरीर में इम्यूनिटी की भारी कमी है, ना कि फ्रिज की फंगस। वायरल मैसेज में किए गए दावे कितने सही हैं, ये जानने के लिए हमने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वह एडवाइजरी चेक की जो कोरोना के बीच फैल रहे ब्लैक फंगस से बचाव के लिए जारी की गई है। इस एडवाइजरी में म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए धूल मिट्टी के संपर्क में ना आने और अपना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार साफ करते रहने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ब्लैक फंगस के लक्षण दिखते ही फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन इस एडवाइजरी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फ्रिज के अंदर जमा होने वाली काली फफूंद ही म्यूकोरमाइकोसिस है। अमेरिकी रिसर्च संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की वेबसाइट पर भी म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से जुड़ी जानकारी दी गई है, लेकिन ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है जैसा कि वायरल मैसेज में दावे किए जा रहे हैं। मैसेज के दावे कितने सच हैं, ये जानने के लिए हमने इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर बेला शर्मा से संपर्क किया। क्विंट से बातचीत में उन्होंने बताया, हमारे वातावरण में फंगस मौजूद है। बैक्टीरिया और फंगस खाने पीने की चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस के शरीर में डेवलप होने के पीछे फंगस के अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि शरीर में इम्यूनिटी का कम होना, शुगर लेवल हाई होना। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स के हाई डोज की वजह से शरीर म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ गया। क्या खाने पीने की चीजों पर या घर के सामान पर जमा होने वाली फफूंद ही म्यूकोरमाइकोसिस है? इस सवाल का जवाब देते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास मौर्य बताते हैं, खाने पीने की चीजों पर या फिर हमारे सामान्य वातावरण में जमा होने वाली फफूंद म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है। ये सच है कि जहां साफ सफाई नहीं होती वहीं फफूंद बढ़ती है, लेकिन ये म्यूकोरमाइकोसिस से बिल्कुल अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना के बीच बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर क्विंट से बातचीत में डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस ये बता चुके हैं कि अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल ने और स्टेरॉइड के हाई डोज ने ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बढ़ाया है, क्योंकि एंटीबायोटिक से हमारे शरीर का नेचुरल बैक्टीरिया खत्म होता है और ब्लैक फंगस को बढ़ने का मौका मिल जाता है। मतलब साफ है, ये सच है कि बेसिक हाइजीन के लिए घर के सामान पर जमा होने वाली फफूंद को साफ करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ऐसा करके ये मान लेना सही नहीं कि आप म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में नहीं आएंगे। हम कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस और कोविड वैक्सीन को लेकर किए जा रहे झूठे और भ्रामक दावों की लगातार पड़ताल कर रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सूचना आती है जो आपको थोड़ी अटपटी लग रही है या जिसके सच होने पर आपको शक है, तो हमारे WhatsApp नंबर 9643651818 या फिर हमारी मेल आईडी webcoof@thequint.com पर हमें भेजें। तब तक के लिए हमारी अन्य फैक्ट चेक स्टोरीज को पढ़ने के लिए Facebook और Twitter पर क्विंट हिंदी को फॉलो करें और वेबकूफ ना बनें। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it. Thank you.
Thank you.